जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। योगिनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत शुक्रवार 24 जून 2022 यानी कल रखा जाएगा। 24 जून को शुक्रवार भी है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष फल लोगों को प्राप्त होने वाला है। साथ ही एक बात और शायद आप जानते नहीं होंगे कि योगिनी एकादशी व्रत का यदि व्रत रखते हैं जो व्यक्ति, वह भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 जून 2022 को रात्रि 9:40 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 24 जून 2022 रात 11:13 पर समाप्त हो रही है। उसका पारण का शुभ मुहूर्त है 25 जून सुबह 5:52 से 8:32 तक। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में एकादशी की महत्व को तो बताया ही गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अगहन मास में शुक्ल पक्ष की मोक्षता एकादशी को गीता उपदेश दिया है। अतः एकादशी पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती को हजारों ब्राह्मण का भोजन कराने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही व्रती के सभी दुख, दर्द, कष्ट, उक्लेश जीवन के समाप्त हो जाते हैं। योगिनी एकादशी की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। इस दिन व्रती को लहसुन, प्याज और तामसी भोजन का परित्याग करना चाहिए। निशाकाल में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म बेला में उठकर सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण करें, प्रणाम करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन कर व्रत संकल्प लें और भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें, यानी सूर्य नारायण को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन, फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत, कुमकुम, तांदुल यानी पान, धूप दीप आदि से करें। दिन भर उपवास रखें। व्रती चाहें तो दिन में एक फल, एक बार पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये संभव नहीं है। इसलिए आप फल, फलाहार, जो भी आप भोजन करते हैं, बस अनाज खाना निषेध होता है। बाकी आप फलाहार ले सकते हैं। और पानी भी आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें, यदि आपके शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है तो आप पानी भी ग्रहण कर सकते हैं। नियम बताए गए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान अपने शरीर का भी रखना होता है। हम शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं किसी कार्य को करने के बाद, वह करें। शाम के बाद आरती प्रार्थना के बाद फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत का पारण करें। दोस्तों, योगिनी एकादशी इसलिए भी खास होती है क्योंकि योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए योगिनी एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। ये तो हुई किस दिन आपको योगिनी एकादशी का व्रत रखना है और कैसे आप व्रत का संकल्प लें, पूजन करें और व्रत का पारण करें, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें ये हो गई। अब मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि आप ऐसा क्या करें यदि आप पर कोई संकट है, आपके पर कोई विपदा आई हुई है, कोई मुसीबत में है। आप कैसे एक योगिनी एकादशी को कुछ विशेष उपाय कर और उन संकटों से बच सकते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली इस एकादशी के दिन पीपल की पूजा को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। यह इस लोक भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन का विधान है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली इस एकादशी के दिन पीपल की पूजा का भी बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। अगर आप योगिनी एकादशी को सुबह जब स्नान करते हैं
स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने से पहले पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिलाकर स्नान करें, और यदि आपके पास शुद्ध मिट्टी है तो मिट्टी का लेप कर आप स्नान करें। यदि नहीं है तो स्नान के लिए तिल के लेप का भी बहुत महत्व बताया जाता है। थोड़ा सा तिल पीस लें और उसका उपटन सामान लगाकर आप स्नान करें। इससे आपको पुण्यों की प्राप्ति तो होगी ही, आपके संकट, आपके दुख, आपकी विपदा सब दूर हो जाएगी। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराना चाहिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणवर्ती शंख में गंगा जल भरकर यदि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्नान किया करवाया जाए तो इसका भी विशेष फल प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली के सभी कुरुग्रह शांत होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बंसरी को अच्छे तरीके से सजाकर भेंट करने से, समर्पित करने से धन्य धान में वृद्धि होती है। जो लोग धन संपत्ति के कष्टों से गुजर रहे हैं, कमी से गुजर रहे हों, या बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, यह उपाय अवश्य करें। एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में आप बांसुरी को अच्छी तरीके से लाकर सजा लें, डेकोरेट कर लें, और उसके बाद इसे कोई भी श्री कृष्ण के मंदिर में समर्पित करके आ जाएं। ऐसा करने से आपके धन संबंधी जो भी आपको परेशानी चल रही है दूर हो जाएगी। योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का यदि भोग लगाया जाए भगवान को, ये भी बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जिस परिवार में यदि पितरों का आशीर्वाद रहता है, उस परिवार में कभी दुख और संकट नहीं आते, कष्ट नहीं आते। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल उनके भोग में अवश्य समर्पित करना चाहिए। लेकिन इस बात का आप ध्यान, विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें, पहले दिन से तोड़ के रख लें और उसके बाद एकादशी के दिन भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो हो सकता है कि भगवान विष्णु के क्रोध का भी पात्र आपको बनना पड़े। आप खीर बनाएं, मखाने की खीर बना सकते हैं, शमा की खीर बना सकते हैं, या साबुदाने की खीर बना सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी सी केसर मिलाकर माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को शाम के समय यदि इसका भोग लगाया जाए तुलसी दल डालकर, क्योंकि वैसे भी शुक्रवार को खीर का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है। शाम के समय मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। थोड़ी सी केसर यदि डाल दी जाए खीर में तो असंख्य पुण्यों की प्राप्ति तो होती ही है, आपके सारे कष्ट, पैसे संबंधी आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके पास धन की कोई कमी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये तो हुई भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन कैसे करें, उन्हें भोग में क्या समर्पित करें। लेकिन योगिनी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। आप कलश लें, एक तांबे का कलश, और उसे जल से भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, एक दाना चावल का डाल लें, और यदि आपके पास जो रखे हैं, यदि जो समर्पित कर सकते हैं तो भगवान शिव को इस दिन जो समर्पित करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही जैसी पूजन करना चाहते हैं आप भगवान शिव की करें, उसमें कोई मना नहीं है, जो समर्पित करना चाहते हैं वैसा करें। लेकिन आप सुबह की समय या शाम की समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर भगवान विष्णु को चावल की खीर समर्पित नहीं होती है, यदि आपने भगवान विष्णु की मखाने की खीर बनाई है या शमा की खीर बनाई है, साबुदाने की खीर बनाई है, तो उसका भोग भी आप भगवान शंकर को लगा सकते हैं, भोलेनाथ को लगा सकते हैं, नहीं तो चावल की खीर भी भगवान शंकर को समर्पित की जा सकती है। और कर देखें, कोई भी विशेष इच्छा से भी आप कर रहे हैं और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को यदि खीर का आप भोग लगाते हैं, खीर समर्पित कर आते हैं, आपके कैसे भी कष्ट हैं दूर हो जाते हैं। कर देखें, अष्टगंध अवश्य डालें, जल में थोड़ा सा अष्टगंध डाल लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ती है, इसलिए हल्दी नहीं समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा अष्टगंध उनके जल में एकादशी के दिन डालकर समर्पित करने का एक विशेष फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा
सुगंधित इत्र समर्पित करें। ये सभी बातें छोटी छोटी सी आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धन संबंधी हो, क्लेश संबंधी हो, कोई भी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी हो, आप जो भी आपके लिए समस्या हो, आप भगवान के समक्ष जाकर विनती कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।